नहीं, रेंट घटा है और स्टूडेंट धीरे धीरे कम हुए हैं। जो भी फ्रेशर बच्चे थे या जो दृष्टि में मतलब प्रेजेंट टाइम में क्लासेस कर रहे हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई रेंट कम नहीं हुआ है, 1,000 रुपये कम किए हैं, कुछ भी कम नहीं हुआ है। नया रूम जो अगर कोई लेने आएगा तो पूरे रुपए उतने में ही मिल रहा है। नए स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे, अब आना चाहिए इधर या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आ सकते हैं जिनकी यहाँ कोचिंग्स हैं, ठीक है। मुखर्जी नगर में माहौल फिर भी रहेगा, लेकिन नोएडा शिफ्ट हो रहा है वो उनकी जो कोचिंग है, जो लोग जा चुके हैं उनके लिए। बच्चे आप लगोगा? अब तो कुछ ही ना आते, 100 में से 10% आते हैं, वो भी ना आते होंगे। पिछले संडे को लगभग कितने आए थे? 10% होंगे लगभग। जब से यहाँ से दृष्टि गया है नोएडा, तब से कुछ फर्क पड़ा है आपके रोजगार पे? पहले 20 पेटी लाते थे संतरा, जो हमारा संतरा 20 पेटी लाते थे, अब देख लो 7 पेटी ला हुए। दोस्तों, ये नेहरू विहार का वो बाजार है जहाँ पे कभी एक साथ हजारों स्टूडेंट की भीड़ होती थी। हाँ। और इन सभी दोस्तों की दुकान पर स्टूडेंट सामान खरीदने आते थे और ये अपनी दो दो रेडियां लेकर के आते थे। आज ये अपनी एक एक रेडी लेकर के आते। दोस्तों, ये नेहरू विहार का वो बाजार है जहाँ पे कभी एक साथ हजारों स्टूडेंट की भीड़ होती थी। हाँ। और इन सभी दोस्तों की दुकान पर स्टूडेंट सामान खरीदने आते थे और ये अपनी दो दो रेडियां लेकर के आते थे। आज ये अपनी एक एक रेडी लेकर के आते। रोजगार पे भी फर्क पड़ा? हमारे पे बहुत फर्क पड़ा, स्टूडेंट से ही चलता था। हाँ जी। जैसे पिछले संडे को कितना क्राउड यहाँ पे था, भीड़ कितनी थी? बिल्कुल ना के बराबर ही थे। ये बताइए, लगभग 2-3 महीने से यहाँ पे स्टूडेंट घटे हैं या फिर ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि आप लोग बाजार लगाते हैं सब्जी लेने आते होंगे? काफ़ी घट गए भैया। किस वजह से घट रहे हैं पता? ये नोएडा जा रही है लाइब्रेरी कोचिंग वगैरह, उस वजह से। तो आप नेहरू विहार से सीधा नोएडा सेक्टर 15? हाँ। कितना किराया लेते हैं आप शिफ्ट करने का सामान? हमारा तो 1500 रुपये है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। दोस्तों, अभी हम मुखर्जी नगर के पास ही हैं, नेहरू विहार में। ये किताबी रंग बिरंगी दुनिया है, लेकिन अभी ये बेरंग सी थोड़ा थोड़ा होने लगी है, क्योंकि यहाँ से लगातार स्टूडेंट घटते जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी भी नाराज़ हैं, जो यहाँ के डीलर हैं या फिर लोकल के ओनर हैं, कि अभी भी हमारा रेंट कम नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप लोग अगर बिल्डिंग या पीजी कुछ भी रेंट पर देते हैं तो थोड़ा सा रेंट कम कर लें, तो जो पुराने स्टूडेंट हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे और नए वाले भी आ जाएंगे। अभी भी आप लोग रेंट नहीं कम कर रहे हैं तो स्टूडेंट थोड़ा सा नाराज़ हैं। आप देखेंगे, ये एक नेहरू विहार की गली है। पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी। हमारे सामने इधर भी एक गली है, इसमें भी काफ़ी भीड़ रहती थी, लेकिन अभी पूरा सा खाली खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई है लॉकडाउन जैसी। यहाँ से स्टूडेंट डे बाई डे लौट रहे हैं, नए वाले स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, ये कहीं जा रहे थे, मैंने इन सबको रोका है, इनसे ही जानने वाले हैं स्थिति अभी क्या बनी हुई है नेहरू विहार की। सबसे पहले मैं दोस्त आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सुजीत लाल। सुजीत, अभी नेहरू विहार में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खाली खाली सा हो चुका है, आपको क्या लगता है और आप कब से हैं? मैं 2 साल से हूँ यहाँ पे, और बेशक यहाँ पे भीड़ बहुत कम हो चुका है, पहले बहुत क्राउड था, अभी दृष्टि के जाने से भीड़ यहाँ पे कम हो गया है, लगभग 50% भीड़ ही है अभी। नेहरू विहार में कदम रखने की जगह नहीं रहती थी, अभी देख रहा हूँ गलियों में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत गिने चुने बच्चे हैं। हाँ, हर बिल्डिंग में रूम खाली है, हर बिल्डिंग में, बिल्डिंग में भी रूम खाली है, और रेंट कम नहीं हो रहा है। रेंट जो पहले रेंट था वही रेंट है, लोग कह रहे थे कि 10% कम करेंगे, 15% कम करेंगे, लेकिन 200, 400, 500 वही कम करके और मना कर दे रहे हैं कि ठीक है खाली कर दो, तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और इससे पहले भी यहाँ के जो लोकल थे, जो ब्रोकर थे, वो सपोर्ट नहीं करते थे, इस कारण बच्चे भी यहाँ रहना नहीं चाहते थे, तभी यहाँ से भीड़ पलायन हुई है 15 की तरफ। नहीं तो अगर बच्चे चाहते तो कहीं ना कहीं भीड़ यहाँ रहती, लेकिन बच्चे खुद भी नहीं चाह रहे हैं यहाँ रहना। दोस्त हैं ये जा रहे हैं, आ जाइए यादव जी, आइए। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे कमरे पे। अच्छा, चलो आप आइए, घूम के सेब लेकर के जा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा दोस्त, आपका क्या नाम है? सर विशाल यादव। और आपका? निखिल कुमार। आपका नाम क्या है भैया? सुमित। आपका? अनुभव सिंह। और आपका? बबलू। यादव जी, आपको तो मैं जानता ही हूँ। ये बताइए अभी प्रिया रंजन जी, नेहरू विहार का भी क्या माहौल है? स्टूडेंट यहाँ से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, और रेंट वगैरह घटा या नहीं? नहीं, रेंट घटा है और स्टूडेंट धीरे धीरे कम हुए हैं। जो भी फ्रेशर बच्चे थे या जो दृष्टि में मतलब प्रेजेंट टाइम में क्लासेस कर रहे हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, तो बच्चे मतलब कम हुए हैं। कितने परसेंट लगभग कम हुए हैं? पहले काफ़ी भीड़ रहती थी, अब दिख रहा है कि कोई है ही नहीं, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब 25-30% रख लीजिए, और बाकी जैसे क्या है कि प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो मान लीजिए UPPCS का है, RO का है, तो इन सब एग्जाम की वजह से जो पुराने बच्चे हैं या जो लोग लगे हुए हैं वो लोग रुके हुए हैं अभी। नए बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, नए यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, बल्कि पलायन हो रहे हैं। नहीं, अगर यहाँ से अगर संभव है क्लासेज अगर जाके कर सकते हैं
तो आ सकते हैं अपने बजट के हिसाब से या मतलब माहौल के हिसाब से, लेकिन माहौल पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पे हुई है। अब कोचिंग सारे बंद हो गए हैं तो नए वाले या तो यहाँ पे कोई कोचिंग इस्टेब्लिश हो NSC अगर मिलने के बाद तब आके मतलब क्लासेज जो भी जिसको करना होगा करेगा, और नहीं तो अगर माहौल बिल्कुल नहीं रहेगा, अगर पढ़ाई का इन्वायरमेंट अगर बिल्कुल कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से कहीं कहीं मतलब पलायन करना ही पड़ेगा। थैंक यू, आप कहीं जा रहे थे, आप रुके, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी मिलते हैं आपसे। जानना चाहूँगा कि आप नेहरू विहार में कब से हैं और अभी आपको क्या लगता है, स्टूडेंट यहाँ पे घटे हैं या बढ़े हैं? नेहरू विहार का कुछ माहौल थोड़ा सा पहले से, पहले बहुत क्राउड रहता था, इस समय बहुत कम है, रस बहुत कम हो गया। घटा या नहीं? कितना घटाया? 1500। अच्छा, ये किताब वगैरह आप कौन सी लेकर के आ रहे थे और ये किस चीज़ के लिए ये किताब है? ये इथिक्स के लिए है, अच्छी बुक है ये, थोड़ा सा अलग हट के बनाया गया, सिनॉप्सिस है, आपको सिनॉप्सिस नहीं बनाना पड़ेगा, कंटेंट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। बिल्कुल नई, अभी लेकर के आए हैं क्या तीनों? अभी और कौन सी है इसके अलावा, दिखाइए। और ये इसके अलावा निबंध की है, ऐसे की है। UPPCS के लिए हैं क्या? हाँ, UPPCS के लिए, हम लोग UPPCSRO के लिए हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी तो मैंने कई सारे दोस्तों को रोका था, लेकिन वो जल्दी जल्दी अपने अपने रूम वूम पे निकल गए, कोई भी यहाँ पे नहीं रुका। ये रुके, इनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक छोटा हाथी है और ये दोस्त भी अपना रूम खाली करके जा रहे हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं, इनका सामान वगैरह इसमें रखा हुआ है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी ये कहाँ जा रहे हैं, और उससे पहले एक दोस्त मिले हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? शिवम तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, आपका नाम भी शिवम और मेरा नाम भी शिवम, नेहरू विहार के अभी क्या हाल आते हैं? काफ़ी खाली खाली नज़र आ रहा है, जैसे ये दोस्त खाली करके जा रहे हैं। अब कोचिंग यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है, बच्चे यहाँ क्या करें, अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, ना लाइब्रेरियाँ खुल रही हैं, दिन के प्रतिदिन कोचिंगें सीज हो रही हैं, लाइब्रेरियाँ भी सीज हो चुकी है, बच्चे पेपर भी पास में आ रहा, क्या करें, यहाँ से उन्हें पलायन करना उनकी मजबूरी हो चुकी है, लगातार जा रही है, पूरा नेहरू विहार खाली हो चुका है, आप समझिए 80% खाली हो चुका है। आप कब जा रहे हैं? आप भी जाने वाले हैं? आप भी जाने वाले हैं बस। तो ये बताइए, जैसे यहाँ पे जो दुकानें वगैरह थी वो भी धीरे धीरे काफ़ी बंद हो चुकी हैं, लाइब्रेरी भी बंद हो चुके हैं, कोचिंग पे आए दिन MCD की कार्यवाही चल रही है, लगभग 90% कोचिंग बंद हो चुके हैं, वही चल रहे हैं जिनका क्लासरूम बढ़िया है, एक दो शायद बच्चे, बाकी सब बंद हो गए हैं। आपको क्या लगता है, अब क्या फ्यूचर है यहाँ का? यहाँ अब लगता है मुझे शून्य हो चुका है बिल्कुल, जो लाइब्रेरियाँ बच्चे यहाँ पे जो कोचिंग कर चुके हैं वो लाइब्रेरियों पे निर्भर रहते हैं, आज के समय सारी लाइब्रेरियाँ बंद हो चुकी है, बच्चे रूम पे रह के उस हिसाब पढ़ाई नहीं कर सकते, कहीं कहीं पे एक रूम में दो दो तीन तीन बच्चे रह सकते हैं, इससे डिस्टर्बेंस बहुत होता है, पेपर भी पास में आ रहा है, ये बच्चे करें तो करें क्या। बहुत सारे फ्रेंड ये भी कह रहे हैं कि अभी भी रेंट कम नहीं हो रहा है, ऐसी हालत है। हाँ, यहाँ के रेंट बहुत ही ज़्यादा है, अभी भी 9000-8000 उसे कम भी नहीं कर रहे हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम संदीप यादव है। इधर आइए यादव जी, थोड़ा सा आगे, आप भी यहीं रहते हैं? जी। UPSC की तैयारी? जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, आप कहीं जा रहे थे रुके, धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा आप क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल इस तरीके का हो गया है कि रेंट अभी कम नहीं हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट का पलायन जारी है। असल में PCS का पेपर है 27-28-26 अक्टूबर में, इसके बाद यहाँ से बच्चे ज़्यादातर चले जाएंगे। आप भी UPPCS की तैयारी कर रहे हैं? जी जी। तो सर ये बताइए, जैसे आपका रेंट कुछ कम हुआ है, जैसे बहुत सारी फ्रेंड कह रहे हैं इस कंडीशन में भी रेंट कम नहीं? नहीं नहीं, कोई रेंट कम नहीं हुआ है, 1000-1500 कम किए हैं, कुछ भी कम नहीं हुआ है, नया रूम जो अगर कोई लेने आएगा तो पूरे रुपये उतने में ही मिल रहा है। नए स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे, अब आना चाहिए इधर या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, या तो सेल्फ स्टडी घर पर रह के करें, या फिर ऑफलाइन करते हैं तो नोएडा जा सकते हैं, नहीं तो जिसने क्लास कर ली है वो कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं, या कोई आना जरूरी नहीं है। विकास दुबे की सर का ये कदम क्या था? जैसे लोग कहते थे, काफ़ी स्टूडेंट गुस्सा भी थे उन पर कि सर बेसमेंट में चला रहे हो आप इलीगल, अब उन्होंने उधर शिफ्ट कर दिया, ये आपको कैसा लगता है? ये ठीक कदम है, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो मुखर्जी नगर है, करोल बाग शिफ्ट करने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है कि करोल बाग ज़्यादा सुटेबल है नोएडा की अपेक्षा, अगर ऐसा है अपेक्षाकृति कि नोएडा अच्छा लगता है बच्चों को, लेकिन वहाँ एटमॉस्फेयर डेवलपमेंट करने में शायद 5 साल भी लग सकती हैं, अन्य कोचिंग संस्थान भी अगर वहाँ जाएंगे तब माहौल बन सकता है, अगर संस्थान नहीं गए अकेला इंडिविजुअल दृष्टि रहा तो ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की बड़ी कोचिंग करोल बाग में स्थापित हैं, तो वहाँ मुझे लगता है स्टेबिलिटी उनकी वहाँ है तो वहाँ रहनी चाहिए, नोएडा ये आने वाले समय में पता चलेगा क्या स्थिति है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो। जब आप अपने रूम से बाहर निकलते होंगे, जैसे अभी आप निकले हैं, तो आपसे कुछ दोस्त मिलते होंगे, उनकी क्या राय रहती है कि अब हम यहाँ से चलें या नहीं रेंट कम? हाँ, जिसने कोचिंग कर ली है वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं जो बेसमेंट में नहीं है, उसके अलावा लाइब्रेरी भी अधिकतर सुनने में आ रहा है दोस्त की बंद हो चुकी है। हाँ, जो बेसमेंट में है वो सारी बंद हो गई हैं, जो फ्लोर पर हैं वो चल रही हैं, उसमें बच्चे कर रहे हैं, असल में पेपर है PCS का, ये जब हो जाएगा उसके बाद स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अक्टूबर के बाद कि कौन यहाँ रहेगा नहीं, बच्चे लगातार जा रहे हैं, जो क्लास कर रहे हैं वो यहाँ नहीं रह रहे, यानी कि आउटगोइंग चालू है इनकमिंग। हाँ,
चालू है, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन पेपर के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि किसको यहाँ रहना है नहीं रहना है। अगर किसी का प्रीलिम्स होता है तो वो यहाँ रहेगा, मेंस का टेस्ट सीरीज करेगा, यहाँ रहेगा। जो क्लास वाले हैं वो बच्चे इधर उधर जा रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। इधर एक अंकल जी हैं, देखो ये अपना जो स्टूडेंट अपना सामान लेके जा रहे थे वही इसमें सामान है, ये कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता, कहाँ जा रहे हैं अंकल जी लेकर के सामान आप? ये तो 15 सेक्टर में है, नेहरू विहार से सीधा नोएडा सेक्टर 15। हाँ, कितना किराया लेते हैं आप शिफ्ट करने का सामान? हमारा तो 1500 रुपये है। कितना भी सामान एक बार में भर के ले जाओ? हाँ, एक बार में। अच्छा, आपका नंबर क्या है? इसको कई सारे स्टूडेंट देखेंगे, अगर उनको भी जाना होगा तो कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे? हमारा है, अब कार्ड तो नहीं है मेरे पास। नंबर याद होगा आपको? नंबर याद है, बोल दीजिए। 9911-30-95-66। आपका नाम क्या है? रतिपाल। ये यहीं रहते हो आप? यहीं रहता हूँ जी। दोस्तों, ये अंकल जी हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट यहाँ से जाएंगे वो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम तो रोहित है भाई। रोहित भाई, यहीं पे बाजार लगाते हो हर संडे को? हाँ जी। और आप? जोगिंदर। दोनों लोग बाजार लगाते हो? हाँ जी। ये बताइए, लगभग 2-3 महीने से यहाँ पे स्टूडेंट घटे हैं या फिर ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि आप लोग बाजार लगाते हैं सब्जी लेने आते होंगे? काफी घट गए भैया। किस वजह से घट रहे हैं पता? ये नोएडा जा रही है लाइब्रेरी कोचिंग वगैरह, उस वजह से। तो आपके रोजगार पे भी फर्क पड़ा? हमारे पे बहुत फर्क पड़ा, स्टूडेंट से ही चलता था। हाँ जी। जैसे पिछले संडे को कितना क्राउड यहाँ पे था, भीड़ कितनी थी? बिल्कुल ना के बराबर ही थे, सिर्फ कॉलोनी के ही लोग थे, 2-4 स्टूडेंट होंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो अब आपका संडे का जो रोजगार है वो कैसे मैनेज कर पाएंगे? काफी फर्क पड़ेगा, जैसे होगा वैसे करेंगे। आपको आपकी दुकान पे लगभग कितने स्टूडेंट आए थे पिछले संडे को? 10-12 थे पहले, और उससे पहले जब उससे पहले तो काफी आते थे। जैसे नोएडा जब नहीं गया था क्लासरूम, उससे पहले लगभग कितने स्टूडेंट आपके पास आते? वो आते थे उस टाइम तो दबा के लाइन लगी। हाँ जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी फर्क यहाँ पे पड़ा है स्टूडेंट के जाने से। दोस्तों, ये नेहरू विहार का वो बाजार है जहाँ पे कभी एक साथ हजारों स्टूडेंट की भीड़ होती थी। हाँ। और इन सभी दोस्तों की दुकान पर स्टूडेंट सामान खरीदने आते थे और ये अपनी 2-2 रेडियां लेकर के आते थे। आज ये अपनी 1-1 रेडी लेकर के आते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद भाई, कहाँ से हो आप? उन्नाव बाजार में। हाँ जी। ये बताइए, 3 साल में जितनी भीड़ आपके पास आती थी 3 साल पहले जो दौर था, क्या वो आज भी कायम है संडे बाजार में? नहीं है जी। कितने बच्चे आप लगोगे आते हैं? अब तो कुछ ही ना आते, 100 में से 10% आते हैं, वो भी ना आते होंगे। पिछले संडे को लगभग कितने आए थे? 10% होंगे लगभग। जब से यहाँ से दृष्टि गया है नोएडा, तब से कुछ फर्क पड़ा है आपके रोजगार पे? पहले 20 पेटी लाते थे संतरा, जो हमारा संतरा 20 पेटी लाते थे, अब देख लो 7 पेटी लाए हुए। बस 7 पेटी? हाँ। तो दृष्टि के जाने से काफी फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा। ये आपको पता है कि यहाँ पे स्टूडेंट कम क्यों हुए हैं, ये कुछ पता है आपको? ये तो नहीं पता, यही पता है कि कोचिंग की वजह से जो पड़ा है फर्क। वैसे इस टाइम आज आप यहाँ पे पहुंचे हो, इस टाइम कोचिंग बंद होने से पहले आते थे तो भीड़ लग जाती होगी, लेकिन अभी कोई नहीं है? अभी कुछ नहीं है, पहले भीड़ लग जाती थी। ओके। माल तुरंत चालू हो जाता था। अच्छा लगा, थैंक यू, वीडियो देखना आप आएगी। और ये पूरी गली है दोस्तों, ये सही कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। दोस्तों, अभी ये गली है और ये यहाँ कुछ दोस्त आ रहे हैं, बाकी के ये दोस्त खाली करके भी लगातार जा रहे हैं। बढ़िया है। क्या नाम है आपका? शान मोहम्मद। मोहम्मद साहब, ये बताओ क्या स्टूडेंट यहाँ पे घट रहे हैं डे बाई डे, जैसे ये दोस्त खाली करके कहीं जा रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं? मैं गोपालपुर में रहता हूँ और आपका सब्सक्राइबर हूँ, बहुत पहले से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ मैं, मतलब जब मैं 3-4 साल से ही देख रहा हूँ, जब मैं मुखर्जी नगर में नहीं आया था तब से ही देख रहा हूँ। तो ये बताओ आप हो कहाँ से? मैं बेसिकली अलीगढ़ से हूँ। अभी UPSC की तैयारी करते हैं? हाँ मैं। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? मेरा ऑप्शनल पॉलिटी है, मैंने क्योंकि मास्टर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया है। कितने दिन पहले आए थे गोपालपुर? मैं तो भाई 1 साल अभी हुआ नहीं है, 12 अक्टूबर को आया था, बट दिल्ली में मैं 3 साल से हो गए। तो इधर जब आप अक्टूबर में आए थे तब कितनी भीड़ थी और अब क्या है स्टूडेंट की? अब जैसा कि दृष्टि के जाने से ना, मतलब बहुत कम, सिर्फ 60% लोग चले गए, 40% रहेंगे लाइक जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं वो लोग, क्योंकि रूम खाली खाली पड़े हैं यहाँ पर। रेंट घटा है या नहीं कुछ? रेंट घट रहे हैं भाई, कंटिन्यू घट रहे हैं। पक्का? बिल्कुल, हमारी बिल्डिंग में भी घट गए हैं और बाकी कंटिन्यू घट रहे हैं। स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो अभी यहाँ आना चाहते हैं, आए या नहीं? भाई देखो, यहाँ पर एक माहौल मिलता है, लाइक रात में भी 24 आवर लाइब्रेरी ऑन रहती हैं। लेकिन अब तो बंद हो गई ना अधिकतर? नहीं, गोपालपुर में तो खुल रही हैं, और का नेहरू विहार वगैरह का मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पर माहौल मिलता है, लाइक आप घर पर रह के वो माहौल नहीं मिल पाता, और जैसे हम विलेज वगैरह में रहते हैं। आप तो डेली जा रहे हैं, अब कैसे मिल पाएगा? खत्म हो गया आप तो?
हाँ, तो वो यहाँ पर वो लोग आ सकते हैं जिनकी यहाँ कोचिंग्स हैं, ठीक है। मुखर्जी नगर में माहौल फिर भी रहेगा, लेकिन नोएडा शिफ्ट हो रहा है, वो उनकी जो कोचिंग है, जो लोग जा चुके हैं उनके लिए वो। ओके दोस्तों, इस तरीके से आप देखेंगे कि छोटा हाथी जा रहा है और सब दोस्त डे बाई डे अपना अपना खाली कर करके नोएडा की तरफ निकल रहे हैं। आपकी वहाँ से कुछ कितने दोस्त खाली करके गए होंगे गोपालपुर से? भाई बहुत लोग जा चुके हैं, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे बिल्डिंग में टोटली यूपीएससी वाले थे, तो वो लोग जा चुके हैं। जो दृष्टि वाले हैं वो लोग कंटिन्यू जा रहे हैं लगातार। हाँ, क्योंकि उनको ऑफलाइन कोचिंग करनी है, जब उन्होंने पेमेंट किया है तो वो तो जाएंगे ही भाई। आपसे मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आज हम मिल भी गए काफ़ी। मैं इनको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मैंने जब रूम लिया था तो भैया की वीडियो देखकर आया था, इनसे कांटेक्ट किया, मैंने पूछा कि भाई ने काफ़ी हेल्प, मतलब हेल्प करते हैं भाई जनरली। आज मुझे अच्छा लगा दोस्तों, बाकी का हम रात का भी आज यहाँ का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे मार्केट में कि कितना फर्क पड़ा है दृष्टि के जाने से। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।